ट्रेडिशनल खाने में बहुत ही ज़्यादा, चाहे किशमिश की बात की जाए, काजू की बात की जाए। आज एक बार फिर से हम लोग पहुंचे हैं चांदन की गांव में। चांदन की गांव के लोग लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन एक जो नई तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि चांदन की गांव ने जो रेहड़ा बॉर्डर पर, सुनहरा बॉर्डर पर और सांझापर बॉर्डर पर जितने भी किसान भाई हैं उनकी मदद करने के लिए एक शाही हलवा है वो बनाया गया है। और इस शाही हलवे की एक नहीं कई सारे पतीले हैं, चाहे मैं कहूँगा एक पतीला तो ये जो मेरे सामने रखा हुआ है, वही पीछे अभी जो कि काम यहाँ पे चालू है और लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का मानना सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम इसी तरीके से शाही हलवा किसानों को खिलाते रहेंगे। देखिए शाही हलवा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सूजी का बना हुआ है, देसी घी का हलवा है। इसके अलावा जितने भी इसमें मेवे हैं वो साफ साफ आप देख सकते हैं, और ये मेवे सिर्फ प्लेट में ही नहीं बल्कि पूरे हलवे में हैं। स्वादिष्ट है खाने में बहुत ही ज़्यादा, चाहे किशमिश की बात की जाए, काजू की बात की जाए। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, मेवात में न जाने कितने गांव हैं और गांव के लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, किसी एक गांव की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है, पूरे किसानों की लड़ाई है। ऐसे में हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और जितना हो सकता है आप किसानों की मदद करते रहिएगा। ये सारे जो कि चांदन की गांव हैं उसके जिम्मेदार लोग हैं, गांव के सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना हमसे हो पाएगा उतना हम किसानों के लिए करेंगे। जी क्या नाम आपका? जी मोहम्मद रस्तम। क्या बनाया आज आप लोगों ने किसानों के लिए? आज किसानों के लिए हमने हलवा बनाया है और ये हलवा हमारा आज से नहीं, कई हफ्ता भर से चल रहा है लगभग। कभी बिरयानी, मटर बिरयानी, कभी हलवा, कभी कुछ। और यहाँ से सारे गांव यकजहती के साथ आज यहाँ अपनी बॉर्डर पर, यानी सुनहरा बॉर्डर पर भी और शाहजहान बॉर्डर पर भी, वहाँ दोनों जगह का इंतज़ाम किया है। और दोनों जहाँ एक पिकअप भरकर वहाँ दूध वगैरह, पापा, चीनी और फल फ्रूट वगैरह, केला वगैरह, ये सब शाहजहाँपुर वहाँ भेजा है। और ये दो तीन चार पतीले हलवा के यहाँ के लिए, सुनहरा बॉर्डर के लिए तैयार किए जा रहे हैं और वहाँ किसान भाइयों के लिए इसको खिलाया जाएगा। मेरा नाम रजाक अली, एक सरपंच चांदनी। रजाक जी, जो आप लोग किसानों की मदद कर रहे हैं उनके लिए खाना पीना जो भी आपसे बन पा रहा है, ये आप लोगों का आगे आने वाले समय में कब तक चलने वाला है? ये जब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक हम ऐसा ही इसी तरह मदद पहुँचाते रहेंगे। मेवात के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मेवात के लोगों से ये कहना चाहेंगे, सारे लोग इस काले कानून के खिलाफ संघर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें और जितनी भी मदद हो सब अपने सब गांवों से मदद पहुँचाएं।